आवेदन में पत्रकार गिरी ने बताया, कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा बाजार खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सोमवार से शनिवार प्रातः 9 से साय 6 बजे तक बाजार खोलने एवं रविवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकार गिरी ने बताया कि 5 जुलाई 2020 रविवार को कायथा में बाजार में कुछ व्यापारियों की दुकान खुली हुई थी, जिसका कवरेज के लिए फोटो एवं वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए थे, लेकिन व्यापारियों ने समाचार प्रकाशित नहीं करने की दोष देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी और थाना कायथा में मेरे विरुद्ध एसटीएम के नाम से हफ्ता वसूली करने की झूठी शिकायत की, जिससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। यह झूठा समाचार समाचार पत्र अग्निपथ में प्रकाशित हुआ है, जिसके कायथा प्रतिनिधि दिनेश शर्मा द्वारा उक्त जिला प्रतिनिधि को भ्रामक जानकारी देकर उज्जैन से समाचार प्रकाशित करवाया एवं दिनेश शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से इसकी पोस्ट की गई, जिससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। गिरी ने बताया कि मैं विगत 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हूं। उन्होंने बताया कि प्रशासन के आदेश की अवहेलना कर दुकान खोलने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देते समय यूनाइटेड प्रेस क्लब के जिला उपाध्यक्ष नूतन गिरी, तराना तहसील अध्यक्ष अर्पित बोढ़ाना, उपाध्यक्ष मनीष राठौड़, कोषाध्यक्ष सतीश जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। थाना प्रभारी कायता को निर्देशित करूँगा कि वो जो जिसने व्यापारी समुदाय जो भी आवेदन दिया गया है तो उसकी निष्पक्षता से जांच करें, और अगर व्यापारियों के द्वारा भी कोई गलती की गई है तो उस पर भी कार्रवाई करें, और दोनों पक्षों को बगैर सुने कोई भी कार्रवाई ना करें, बगैर दोनों पक्षों को जाने बगैर कोई कार्रवाई न करें, ये हम उसको निर्देशित। सर, उन्होंने उसमें हवाला भी दिया गया कि फर्जी पत्रकार होना भी बताया गया है, उसके बाद में अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है उनके द्वारा, तो एक कुल मिला के पूरा आरोप गलत है, इसके क्या कहेंगे इस विषय को लेकर आप? ये अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने ऐसा किया, अगर उसकी कोई दी जाएगी तो आपको इसमें उनके लिए मनानी का दावा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, क्योंकि मनानी का जो प्रकरण होता है वो आपको शर्म लगाना होता है, और अगर ऐसे में अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो दोबारा भी ऐसी कोई हिम्मत नहीं करेगा। जब भी ऐसा हो तो आपको पीछे भी हटना चाहिए, और अपने अधिकार के लिए ऐसे लोगों को नोटिस देना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है तो उसको नहीं, क्योंकि हम भी निष्पक्ष रूप से जाँच कराना है, दोनों पक्षों की जांच कराएंगे उनके, और बगैर जांच के इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं थाना प्रभारी को निर्देशित करेंगे। और मानहानी का जहाँ तक है, अब जो पेपर न्यूज़ है जो भी है, अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई करना तो ये आपका अपना है विवेक है कि अगर आप करना चाहें तो आपको करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर जब तक आप नोटिस देंगे या कोई लीगल रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी आपस की रमनस्ता के रूप में लोग इस तरह करते रहेंगे, तो इसके लिए तो आपको स्वयं ही कदम उठाना पड़ेगा कि आपका संगठन मजबूत संगठन है, तो इसको अपनी ताकत भी आपको दिखाना।